हाँ जी हाँ जी, क्या हाल चाल? गुड मॉर्निंग दगड़िया। तो आज फिर से मैं हूँ अपने पहाड़, अपने गांव, अपने उत्तराखंड में। और यार अभी हम लोगों की चल रही, हम तीनों लोग, वो रही मम्मी, ये रहे पापा और मैं, हम तीनों की चल रही ट्रैकिंग। ये देखो दगड़ियों, ऐसे ट्रैकिंग चल रही हम लोगों की। और कहाँ की चल रही वो अभी बताता हूँ। देखो जब भी गर्मियों की छुट्टी होती है शहरों में या पहाड़ों में, तो सब लोग ज्यादातर अपने नानी के घर जाना प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आज मैं भी जा रहा हूँ अपने नैनीहाल, बोले तो ममकोट। और मेरे घर से नैनीहाल जो है, मेरा मतलब नानी का घर, वो है लगभग 8-10 किलोमीटर दूर। और 8-10 किलोमीटर खाली अगर प्लेन होता ना तो दिक्कत नहीं थी, ऐसे चढ़ाई ढलान इस तरह से रास्ता है, पता नहीं 6-7 पहाड़ पार करके जाना है। तो चल रहे हैं भाई ऐसे ही, देख रहे हो रास्ता एकदम ऐसे पहाड़ी, लोग पहाड़ पे चल रहे हैं। ये तो भाई फिर भी ठीक है, अभी तो वैसे मेरे नैनीहाल तक मतलब रोड जाने लगी है, रोड जाने बोल रहा हूँ, गाड़ी जाने लग गई है। लेकिन क्या होना अगर गाड़ी में जाता तो फिर कॉन्टेंट नहीं मिल पाता। और मैंने बीच में कुछ और भी सोच रखा है, मैंने कहा चलो इसी बहाने ट्रैकिंग भी हो जाएगी। तो बस इनको कहा मैंने कि चलो पैदल चलो, और बेचारे लगे पड़े हैं, सिर्फ मेरी ब्लॉक की वजह से पैदल चल रहे हैं। भाई वो वहाँ है हमारा घर, जूम भी नहीं हो रहा वहाँ पे, उधर देख रहे हो, वो देखो वहाँ पे। और वहाँ से भाई हम लोगों ने इतनी चढ़ाई करके ये पूरा पहाड़ चढ़ के यहाँ पहुँचे हैं। तो दोस्तों 2-2.5 किलो, देखो पसीना कैसे आ रहा है, देख रहे हो, 2-2.5 किलोमीटर चलने के बाद भाई हम लोगों ने दूसरा रेस्ट लिया है। ये पीछे बैठे हैं बोजू, बोजू तो हम खड़े दिखेड़े, वो पछल पे हो मम्मी, थकान हो के ऐसे बैठे हैं बेचारे, इनके मुँह से आवाज़ भी नहीं आ रही अब, बारिश यार बारिश आ रही। देखो ट्रैकिंग हमारी थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो गई है, क्योंकि अब आने लगी है भाई बारिश, ऊपर पीछे आपको पहाड़ दिख रहा होगा वहाँ से आ रही है, और अभी हल्की फुल्की बूंदाबांदी यहाँ पे होने लग गई है। और मम्मी तो भाई छाता लेके आई है, बस पापा और मैं बेचारे ऐसे ही, हम ऐसे चल देते हैं, बस रास्ते में जाके पता चलता है कि ये भूल गए वो भूल गए ऐसा। चले चलो चलो दगड़ियों, बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज़ होने लगी है। ये उत्तराखंड और उत्तराखंड का मौसम भाई समझ में ही नहीं आता, कभी धूप आती है कभी बारिश हो जाती है, पता ही नहीं चल रहा कब क्या हो रहा है। भाई अभी तक तो सीधा साधा रास्ता था और अब जंगलों के रास्ते जा रहे हैं हम, बस रास्ता बना बना के जा रहे हैं। एक तो चौमास का टाइम है ना, तो यार ऐसे रास्तों पे जोंक काटते हैं, जोंक पता है, जो पहाड़ के लोग होते होंगे वो तो जानते होंगे, जुग बोलते हैं। शहर के लोग जो नहीं जानते, भाई शक्तिमान देखना, शक्तिमान में था ना एक जोंक मैन, वैसा ही वो काट रहे हैं। देखो कहीं रहा था साला एक, ये दिखा, दिख रहा है एकदम, इतना खा दिया है ना इन लोगों ने कह रहा हूँ, देख रहे हो ऐसा होता है जोंक भाई, जिन लोगों ने नहीं देखा होगा। एक चीज़ और नोटिस करी होगी आपने कि बारिश बंद हो चुकी है, पर मेरी मम्मी ने छाता अभी तक बंद नहीं कर रखा है, क्योंकि मेरी मम्मी ने अभी अभी अपने अंदर एक मिथ पाल लिया है कि जैसे ही वो छाता बंद करेंगी तो बारिश शुरू हो जाएगी, इसलिए बस मम्मी छाता खुला रख के चल रही है अभी तक। इन जोंकों की जोंक दिखाया मैंने अभी, इसकी खासियत पता क्या होती है, क्या आप इसको कितना भी दबा लो पिचका लो पिचकते नहीं, ये ऐसे फैल जाएंगे लेकिन पिचकेंगे नहीं। लेकिन शक्तिमान देखा था भाई, इसमें अगर हल्का सा भी नमक डालोगे ना आप, इनके शरीर पे नमक डालोगे तो ये मर जाते हैं तुरंत, फैक्ट। इसके अलावा एक चीज़ और बताता हूँ इनके बारे में कि भाई इनका ना ट्रांसपोर्ट किया जाता है, सोचो पहाड़ों से इनको विदेशों तक भेजा जाता है, विदेशों तक, इंडिया में नहीं विदेशों तक, वहाँ पे मतलब ये पता है काइंड ऑफ तुम्हारी कुछ थेरेपी का काम करते हैं, कि शरीर के अंदर से गंदा खून बाहर निकालते हैं, तो इनसे थेरेपी का काम करवाया जाता है विदेशों में, मैंने नेशनल ज्योग्राफी में देखा था ये चीज़। तो यार मेरे को लग रहा है कि भाई अगर YouTube वीडियो वायरल नहीं हुई, YouTube से पैसे नहीं आए, तो फिर यही जोंक का व्यापार करना पड़ेगा मुझे भी। मेरी मम्मी हालत चौरे पटाएगे, क्यों कुछ है पतंजलि में ले जुगना थेरेपी कराई जाएगी, लीच बोलते हैं वहाँ लीच। भाई मम्मी बता रही कि पतंजलि में भी ना इन जोंकों से थेरेपी कराई जाती है, तो रामदेव बाबा भी ले जा रहे हैं भाई यहाँ से जोंक। तो अगर कोई पहाड़ी दोस्त बेरोजगार है मेरे जैसा, तो वो ये धंधा काम धंधा शुरू कर सकता है यहाँ से। ये देखो दोस्तों खून आ गया यार, सॉक्स के बाहर से खा रहे हैं हरामखोर। इसके अलावा मम्मी कह रही कि यार देखो अभी तक ना जोंक सिर्फ मेरे को और पापा को लग रहे हैं, मम्मी को नहीं लग रहे हैं। तो मम्मी कह रही कि ये जोंक मेरे को लग जाते तो मेरे शरीर का थोड़ा रोग वगैरह दूर हो जाता, मम्मी चाहती है कि ये जोंक मम्मी को लगे, लेकिन एक भी जोंक मम्मी को नहीं लग रहा। और पापा और मेरे को भाई इतना खा दिया ना, क्या ही बताऊँ, बस लाल लाल हो रहा है पूरा शरीर खून से। और मैंने बताया नहीं, मम्मी इसलिए कह रही है कि जोंक लग जाए क्योंकि मम्मी के पैरों में दर्द होता है नसों वसों में, तो जोंक जो होते हैं ना वो नसों की जगह पे ही मतलब काटते हैं और फिर वहां से खून निकालते हैं, तो मम्मी इसलिए अपनी थेरेपी करवाना चाह रही थी इन जोंकों से। तो दोस्तों टॉप में पहुंचने के बाद कुछ ऐसा रास्ता है, थोड़ा सा रोड वाला रास्ता है, और मौसम तो देख ही रहे होगे आप भाई, क्या जबरदस्त मौसम रखा। वो देखो उधर दूर वो पहाड़ दिख रहे हैं, पहाड़ों के ऊपर जो बादल लटके हैं, वहां वैसे हिमालय पर्वत दिखता है, लेकिन आज बादल लगे हुए हैं तो कुछ दिख ही नहीं रहा। एक और अजंडी बाबू का मंदिर, यह हो अजंडी बाबू। रास्ता देखो भाई काफी खतरनाक रास्ता है, एकदम डर लग रहा है ये ऊपर का, अगर गिर गया ना गलती से, देख रहे हो। और ये तो ऊपर का, थोड़ा नीचे का दिखाऊंगा, तो नीचे ऐसा है भाई, देखो नीचे देखने में ही डर लग रहा है, मतलब पता नहीं कहाँ कितनी दूर की खाई है। तो जो लोग समझते हैं कि ट्रैकिंग में बहुत मजा है, मजे आते हैं, तो भाई मजे तो हैं, क्लियर है,
बट मजे के साथ साथ थोड़ा रिस्क भी होता है, लाइफ का रिस्क है। गलती से अगर पैर वैर फिसल गया या ऐसे पहाड़ वहाड़ खिसक गए तो देखो भाई। अभी मम्मी कह रही थी छाता बंद करी, बारिश आ रही, मम्मी ने छाता बंद कर रखी थी, बारिश आने शुरू हो गई है। मम्मी का मिथ अब यकीन में बदलता हुआ। तो ये रहा पहाड़, कितना सामने, वहां से भी हम आए हैं पहाड़ के ऊपर से। और अगर आप नीचे को देखोगे भाई साहब, आपको पता भी नहीं कितना नीचे हो, देख रहे हो। एक और बात बताता हूँ कि पहले ना जो सामने वो वाला पहाड़ दिख रहा है, ये वाला, हाँ कहाँ है ये वाला पहाड़, यहाँ से पैदल रास्ता हुआ करता था तो हम लोग वहाँ से पैदल जाते थे। लेकिन इतने सारे जोंक लग रहे हैं, इतने सारे, और एक तो बारिश हो रही तो रास्ता थोड़ा ऐसे, मतलब मैंने बोला ना फिसलन वाला हो रहा, तो मम्मी ने कहा कि चलो ये रोड वाले रास्ते चलते हैं, थोड़ा सा लंबा है बट ठीक है, सेफ है। वैसे सेफ तो नहीं भाई, ऐसे देखो सेफ तो ये भी नहीं है, बट फिर भी उसके कंपेरिजन में ये सेफ है। छाता होने के बावजूद छिप रहे हो आप, बताओ और कैसी जगह छिपो, देख रहे हो ऊपर से अगर पत्थर गिर गए तो। दगड़ो हमारे, चलो हाँ। देखो दोस्तों, जहाँ चाह वहाँ राह बोलते हैं, और अभी हमारे साथ यही हुआ भाई। हम लोगों ने सोचा था घर से कि नैनीहाल जाने हैं, ट्रैकिंग करके जाने हैं, बट रास्ते में इतनी भयंकर बारिश हुई ना, भयंकर जिसे कहते हैं। लेकिन वहीं पे फिर हमें ये लोग मिल गए रास्ते में, इसको क्या बोलते हैं यार, वैसे क्या बोलते हैं इसको, क्रेन, ट्रैक्टर, क्या बोलते हैं इसको, कुछ तो बोलते हैं, हैं, बुलडोजर। तो ये बुलडोजर वाले भाई हमें मिल गए, और बस इन लोगों के साथ हम यहाँ तक आ गए। मतलब कम से कम इन्होंने 5-6 किलोमीटर कम से कम हमें रोड पे ऐसे चलाया है, सोच भयंकर बारिश में। ये ओए, एक कुकुरी लग गया दगड़ो बटो, एक ही दूसर जय वाले हो। अब हम तक लग गया उन्हें, हाँ वही तो, जहाँ मेरे भाई हर ब्लॉग में मतलब कुत्ते तो होते ही हैं भाई। 5-6 किलोमीटर बुलडोजर में आने के बाद फिर से देखो ट्रैकिंग चालू हो गई है। वो लगे पापा रास्ता, मम्मी, और फिर से हम लोगों की ट्रैकिंग चालू हो गई है। और ज़्यादा दर्द हो रहा है क्योंकि थोड़ा सा रेस्ट मिल गया बॉडी को, और अब बॉडी काम नहीं कर रही हमारी। लेकिन मौसम भाई, मौसम एक नंबर। वो नीचे रोड पे उन भाई लोगों ने छोड़ा था हमें, वो सामने रोड दिख रही होगी, फिर उनको उधर आगे की रोड पे जाना था, बट फिर यहाँ से हम लोग ऐसे ट्रैक करते करते, और अभी ये चल रही भाई ट्रैकिंग। बाकी हमारे साथ एक और दोस्त आ रहा है हमारा, पता नहीं कहाँ तक। मजे आ रहे हैं, मजे, मौसम के मजा तो यही तो है, बरसात में आएगा सब उनका महीना। पापा बोल रहे मजे तो आ रहे, बस आवाज नहीं आ रही, ऊपर से 2-3 गाने गा रहे और उनके लिरिक्स भी भूल गए। वो आधे आधे, ये पहाड़ वाला रास्ता है ना, तो आधे आधे जगह छूट के आ रहे हैं पापा के लिरिक्स भी। देखो पहाड़ों में ट्रैकिंग करने में मजा तो आता है, बट यहाँ ना खतरा भी उतना ही है यार। पहला खतरा जोंक का इस टाइम पे, इस सीजन पे, ठीक है, और बारिश का टाइम है तो फिसलन भी बहुत ज़्यादा है, तो पैर वैर फिसलने का डर भी रहता है। उसके अलावा थोड़ा जंगल वाला रास्ता है तो जंगली जानवरों का भी डर रहता है। ये तो हम लोग 3 लोग साथ हैं तो इसलिए इजीली चल रहे हैं, अकेले में तो डर लगता ही है। और बाकी ये बेमौसम बारिश, कभी भी बारिश हो जा रही है, तो ये वाला जो सीजन है एक्चुअली में ये थोड़ा मुश्किल है ट्रैकिंग का, बट हम लोग फिर भी कर रहे हैं। ये देखो अखरोट का पेड़, अखरोट लगे हैं इसमें। देखो भाई ये पहाड़ के ऊपर वाले खेत पे, एकदम टॉप पहाड़ पे ऐसे मक्के के पेड़ लगा रखे हैं, और इधर देखोगे आप ये भांग के पौधे हैं, देख रहे हो, भांग की खेती भी की जाती है हमारे पहाड़ों में। अभी हम लोग चल रहे हैं भाई पहाड़ के चोटी पे, इस साइड भी डाउन, इस साइड भी डाउन, और सामने अगर आपको मंदिर दिख रहा होगा तो फिर से वो मंदिर है अजंडी बाबू का, ठीक है। पहाड़ में जितने भी मंदिर, सारे मंदिर अजंडी बाबू के होते हैं। देख रहे हो कितना मस्त पहाड़ लग रहा है यार। हाँ पापा मैगी बनाए, पर अभी आपने देखा होगा कुछ हुआ तो मैं फिसल गया। यार मुझे यार रड़ क्यों, जूते बहुत फिसलन हो रहे हैं, महंगे क्या 300 रुपये जो था भाई। अब थोड़ा पहाड़ पे ऐसे चल रहे हैं, थोड़ा डर भी लग रहा है, ऐसे नहीं ऐसे, ठीक है। और मेरे जूते फिसल रहे हैं, अभी आपने पीछे नमूना देख लिया, और मम्मी बोल रही पैर जूते खोल के चल। अब जूते खोल के कैसे चलेगा आदमी, बताओ यार। एकदम पहाड़ की चोटी पे ही चल रहे हैं दोस्तों हम, इस साइड भी नीचे डाउन, मैंने बताया इधर ये दिख रहा होगा आपको। तो यार घर से आया था, सोचा था कि मैगी बनाएंगे, चाय बनाएंगे, पूरा सामान वामान लेके आए, फ्राई पैन वगैरह, प्लेट वगैरह, चम्मच वगैरह, बट बारिश ने भाई पूरा मजा किरकिरा कर दिया। देखो यार दो चीजों का मेरे को बड़ा दुख लगा अभी तक, एक तो हिमालय पर्वत नहीं दिखा अभी, मतलब मैं जहाँ पे हूँ ना ऐसे पैरल दिखता है हिमालय, दिख रहे हो सामने एकदम, बट अभी तक हिमालय पर्वत नहीं दिखा है। और दूसरी चीज की मैगी नहीं बन पाई हमारी, ना चाय बन पाई,
तो इस चीज़ का दुख लगा है। और अभी पापा बता रहे हैं कि 1-1.5 किलोमीटर है, बट अब रास्ता थोड़ा सा डाउन वाला है, तो अभी मैं रिकॉर्ड बिल्कुल भी नहीं कर सकता क्योंकि पैर फिसल रहे हैं। भाई रास्ता बहुत खतरनाक हो रहा है, तो मम्मी बोल रही जूते खोलो, जूते खोला तो पता चला, देख रहे हो खून खून, जोंग ने भाई इतना खा रखा है मतलब कोई हद ही नहीं है। ओ भाई 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 हे भगवान। तो भाई अब इस रास्ते हम चल रहे हैं नंगे पैर, क्योंकि वैसे वाले पैर फिसल रहे थे, जूते वाले पैर फिसल रहे थे, और नंगे पैर थोड़ा कम फिसलेंगे, फिसलेंगे तो तब भी लेकिन थोड़ा कम फिसलेंगे, जूते वालों में ज़्यादा ही रिस्क हो रहा है, रास्ता भी खतरनाक है। देखो ऐसे सिर्फ पहाड़ का आदमी चल सकता है, शहरों का आदमी नहीं चल सकता ऐसे, शहरों के आदमी के पैर में तो अभी तक कांटे चुभ जाते हैं, बस पहाड़ का आदमी उसको पता है कि पैर कहाँ पे रखने होते हैं। अपनी तारीफ कर दी मैंने वैसे वीडियो में। तो दोस्तों अभी मैं पहुँचा हूँ अपने नैनीहाल के पहले गाँव पे, ये पीछे गाँव कह रहा हूँ, गाँव तो हुआ ये पहले मकान पे, और अंदर थोड़ा चाय वाय पी, थोड़ा एकदम तबीयत ताज़ा सी हो गई, एनर्जी आ गई भाई थोड़ी सी, और अब रिकॉर्ड भी कर पा रहा हूँ। बट यार मैं सोच रहा हूँ कि आज का इतना ही करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा ब्लॉग भी हो जाएगा। और उसके बाद दिखाता हूँ एक चीज़ कुछ, ये नीचे दिख रहा है आपको, ये मौसम हो रहा है, यहाँ कहीं नीचे, इधर कहीं नीचे मेरा एक्चुअल जो नैनीहाल है, जहाँ पे मतलब मेरी नानी रहती है और मेरे मामा मामे लोग रहते हैं। बस थोड़ा सा दुख हुआ मेरे को ब्लॉग का कि एक तो बारिश इतनी ज़्यादा हुई जिस वजह से मेरी चाय और मैगी नहीं बन पाई, और दूसरा कि यार मैं नैनीहाल तक नहीं पहुँच पाया हूँ अभी तक, लेकिन कोई नहीं, अभी यहाँ पे रेस्ट चल रहा है हम लोगों का। वैसे अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो आपको जाते जाते कुछ अलग चीज़ दिखाता हूँ, ये छोटा सा गुफा, ओ एक मिनट, और यहाँ है मेरे साथी, ये देखो मैं, ये सारे पोज रहे एकदम, चलो भाई आंखें चमक रही इनकी। तो यार शहरों में लोगों को कुत्ते बिल्ली पसंद आते हैं भाई, पहाड़ों में भी आते हैं, बट मेरे को ना बकरी के भी बच्चे जो पसंद है, बकरी के बच्चे के सामने सारे फेल है भाई। ये देखो यार एकदम क्या नज़ारा है भाई, मनमोहक नज़ारा। फिर से एक चीज़ आपको बताता हूँ ना, जो पहाड़ों से नीचे आप ऐसे बादल देख रहे होगे, हम बचपन में कहते थे, और पता नहीं शायद ये हकीकत भी है, जो ये बादल होते हैं ना ये नदी से पानी लेके जाते हैं ऊपर को, ऐसा हम कहते थे, और ये हकीकत है या जो भी है मिथ है मुझे भी आज तक नहीं पता, बट आज भी हम लोग मानते हैं कि हाँ जो ये बादल आते हैं ऊपर से और ये नदी से पानी लेके ऊपर की तरफ जाते हैं। बाकी एक लाइक एक कमेंट आपकी तरफ से, और मिलते हैं फिर से किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।